हम अब सेकेंड वीडियो की बात करते हैं जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एंटिटी हाइड्रोसिल. ओके, व्हाट इज हाइड्रोसिल? हाइड्रोसिल मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड जो होता है मेनली सीरस होता है. ओके, सो एक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड. हम किस सेक्शन की बात कर रहे हैं? मेल जेनिटल सेक्शन की बात कर रहे हैं. तो मेल जेनिटल सेक्शन मींस एक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड इन द मेल जेनिटल एरिया, मेनली इन द स्क्रोटम रीजन. ओके, सो जब भी एक्यूमुलेशन होगा सीरस फ्लूइड का मेल जेनिटल एरियाज के अंदर, लाइक मेनली स्क्रोटम के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोसील. ओके, हाइड्रोसील. अब हाइड्रोसील जो है, अगर उसके हम कॉजेज की बात करें तो इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज हैं. प्राइमरी कॉज एंड सेकेंडरी कॉज. ओके, प्राइमरी कॉज की अगर हम बात करें तो प्राइमरी कॉज हमेशा इसका अननोन है. ये कोई भी लाइक इसकी खुद की कोई एटियोलॉजी नहीं है. ठीक है, ये मेनली सेकेंडरी कॉजेज की वजह से होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से या सेकेंडरी ट्रॉमा की वजह से, उनसे ये कॉज होता है. तो इसकी प्राइमरी जो एटियोलॉजी है वो हमेशा अननोन है. ठीक है, बट सेकेंडरी अगर हम एटियोलॉजीज की इसकी बात करें तो सेकेंडरी एटियोलॉजीज में क्या क्या आता है? इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं हाइड्रोसिल्स को. कुछ इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, सीरस फ्लूइड का अमाउंट जो है बॉडी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से वो स्टोर होने स्टार्ट हो जाता है कहाँ पर? स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर, स्क्रोटम के स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर. ओके, कौन कौन से इन्फेक्शन है? लाइक टीबी एंड सिफिलिस. ओके, सेकेंड इन्फेक्शन. सेकेंड कौन कौन सी चीजें और उसको अफेक्ट कर सकती है? इंजरी और ट्रॉमा. ओके, इंजरी, ट्रॉमा और पोस्ट हर्नियोग्राफी. पोस्ट हर्नियोग्राफी मीन्स होता है कि जब भी आप सर्जरी करते हैं, हर्नियोग्राफी एक सर्जरी है, उस सर्जरी के बाद भी चांसेस होते हैं कि हाइड्रोसिल हो सकता है. ओके, तो इन्फेक्शन, इंजरी, ट्रॉमा एंड ट्यूमर्स. तो ये कुछ स्पेसिफिक कॉजेज हैं इसकी, कुछ स्पेसिफिक एटियोलॉजी है जिनके बेसिस पे हाइड्रोसिल हो सकता है, चांसेस हैं कि हाइड्रोसिल हो सकता है. बट प्राइमरी इसका कॉज जो है वो अननोन है, सेकेंडरी ये बहुत सारी चीजों से रिलेट करता है. ठीक है, अब हाइड्रोसिल जो है वो हमने क्या बात करी? हाइड्रोसिल एक टाइप का सीरस फ्लूइड है जो कि एक्यूमुलेट होता है स्पेसिफिक पार्ट्स में. ठीक है, स्पेसिफिक जो पार्ट्स होते हैं जो लाइक टिनिका वेजिनालिस और कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्क्रूटम एरिया, वहां पर जाके एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके स्क्रूटम में बहुत एनलार्ज हो जाते हैं. ठीक है, अब ये जो सीरस फ्लूइड है, ये जो सीरस फ्लूइड है, इसके अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं? ये जो सीरस फ्लूइड, इसको हम बोल रहे हैं सीरस फ्लूइड, तो इसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है उनकी बात करते हैं. एल्ब्यूमिन्स, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन्स, फाइब्रिनोजन, कोलेस्ट्रॉल, सम सॉल्ट्स, ओके, वाटर. तो ये कंटेंट है जो कि सीरस फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, कोलेस्ट्रॉल, सॉल्ट्स एंड वाटर. जब भी ये सीरस फ्लूइड जो होता है, जब भी हाइड्रोसिल फ्लूइड जो है, जब भी ये फाइब्रिनोजन के कांटेक्ट में आता है, जब भी ये जो सीरस फ्लूइड है, जो हाइड्रोसिल फ्लूइड है, वो जब भी फाइब्रिनोजन के कॉन्टैक्ट में आता है, तो जो फाइब्रिनोजन सिस्टम है, जो फाइब्रोलाइटिक सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है. तो जो फाइब्रोलाइटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड के कोगुलेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हेमाटोमा होने के चांसेस हैं. ओके, जब भी हाइड्रोसिल फ्लूइड है, जब भी वो कांटेक्ट में आता है ब्लड के फाइब्रिनोजन से, जब भी वो हाइड्रोसिल फ्लूइड जो है, जो फ्लूइड है, जब भी वो ब्लड के फाइब्रिनोजन के कांटेक्ट में आता है, तो ये जो फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है. और जब भी फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ब्लड का कोगुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब भी ब्लड का कोगुलेशन स्टार्ट होगा तो हेमाटोमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है, और क्या क्या चीजें जो कि इसे रिलेट करती है? ठीक है, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत सारे सॉल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है. तो ये क्या होते हैं, अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग तक रहा, अगर हाइड्रोसिल फ्लूइड जो है वो अगर लॉन्ग स्टैंडिंग तक रहा, तो जो सॉल्ट्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं, वो स्टोन का फॉर्मेशन ले लेंगे, बहुत छोटे छोटे स्टोन का फॉर्मेशन, बहुत छोटे छोटे सिस्ट का फॉर्मेशन ले लेंगे. ठीक है, अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग तक रहता है फ्लूइड, तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? कोलेस्ट्रॉल एंड सॉल्ट्स. तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग में स्टोन्स और सिस्ट का फॉर्मेशन कर सकता है.
कोलेस्ट्रॉल सिस्ट, ठीक है, इनका ये फॉर्मेशन कर सकते हैं। प्लस इसकी एक और क्या क्वालिटी होती है सीरस फ्लूइड की, जो हाइड्रोसील होता है ना वो ट्रांससिमिलाइजेशन होता है। उसके अंदर ट्रांस इल्यूमिनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांस इल्यूमिनाइजेशन? मींस ये ऐसे फ्लूइड होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में ग्लो करते हैं, ठीक है। अगर हम इस हाइड्रोसील पर, अगर हमारा कोई स्क्रूटम एनलार्ज्ड है, स्क्रूटम अगर बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड हो गया, हमें पता है कि उसके अंदर फ्लूइड जो है बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है और वो हाइड्रोसील है, उसके अंदर ये कंटेंट प्रेजेंट है, तो जब भी हम उसके ऊपर लाइट को अफेक्ट करेंगे, जब भी हम उस पर लाइट प्रेजेंट करेंगे तो वो इल्यूमिनेट होगा, वो ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर शो होती है। अब ऐसे और कौन कौन सी चीजें हैं जिनके अंदर ट्रांस इल्यूमिनाइजेशन की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है? ये तो हमने बात कर ली हाइड्रोसील की कि हाँ ठीक है, हाइड्रोसील में ट्रांस इल्यूमिनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जब भी हम उस पर लाइट को प्रेजेंट करते हैं तो वो ग्लो करता है। तो और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो कि ग्लो कर सकती है? वजाइनल हाइड्रोसील, एपेंडेडाइमल सिस्ट, सिस्टिक हाइग्रोमा, ठीक है, मेनिंगोसील। ओके, सो ये कुछ और ऐसे एंटिटीज हैं जो भी ट्रांस इल्यूमिनाइजेशन प्रॉपर्टी शो करती है। जब भी हम इन पे लाइट को प्रेजेंट करते हैं तो ये ग्लो करते हैं। ये ऐसी डिजीज है, ये ऐसी एंटिटीज हैं जो कि ग्लो करती है। तो ये कुछ रिलेटेड हैं हाइड्रोसील जो फ्लूड, सीरस फ्लूड है, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। कंटेंट कौन कौन से प्रेजेंट है? एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, कोलेस्ट्रॉल, सॉल्ट एंड वाटर। फिब्रिनोजन जो ब्लड फिब्रिनोजन है वो जब भी कॉन्टैक्ट में आता है सीरस फ्लूड के, तो वो जो फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ब्लड के कोगुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी ब्लड का कोगुलेशन होना स्टार्ट होता है तो हेमाटोमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये जो फ्लूड होता है ये जब भी एक्यूमुलेट होता है तो एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है जिसको बोलते हैं क्या? ट्रांस इल्यूमिनाइजेशन प्रॉपर्टी। ट्रांस इल्यूमिनाइजेशन मीन्स जब भी हम लाइट को प्रेजेंट करते हैं तो ये ग्लो करता है। और कौन कौन से एंटिटीज हैं जो कि इसके साथ में मैच कर सकती है? वजाइनल हाइड्रोसील, एपेंडाइमल सिस्ट, सिस्टिक हाइग्रोमा एंड मेनिंगोसील। ओके, अब अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोसील जो है बहुत सारे टाइप के, अलग अलग लोकेशंस के बेसिस पे इसके अलग अलग टाइप्स बनाए हैं। बस आपको याद रखने की चीज इतनी है कि मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो वजाइनल हाइड्रोसील है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है वो वजाइनल हाइड्रोसील होता है। वजाइनल हाइड्रोसील मीन्स कि जो एक्यूमुलेशन हुआ है फ्लूइड का वो ट्यूनिका वजाइनलिस के बीच में, accumulation of fluid between tunica vaginalis, okay, जो फ्लूड है, जो accumulate हुआ है फ्लूड, जो serous fluid accumulate हुआ है वो tunica vaginalis के आसपास present है या उसके बीच में present है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं vaginal hydrocele। ऐसी बहुत सारी entities है जो कि इस पर इससे डिफरेंस मीन्स इसके बहुत सारे और टाइप्स हैं, लाइक इन्फेंटाइल हाइड्रोसील, कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसील, हाइड्रोसील ऑफ द नक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोसील। अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से अलग अलग नेम्स दिए गए। कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसील जो कि कॉन्जेनाइटल डे में प्रेजेंट होता है, जो कि जब भी बेबी प्रेजेंट होगा, जब भी बेबी बर्थ करेगा उसी टाइम पे आपको हाइड्रोसील देखने को मिलेगा, कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसील। इन्फेंटाइल हाइड्रोसील जब भी बेबी बोर्न हो चुका है लेकिन 1 मंथ और 2 मंथ के बाद उसके अंदर हमें सीरस फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट होता हुआ दिखा है, कहाँ पर? ट्यूनिका वेजिनालिस एंड ट्यूनिका मीडिया के बीच में। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो है ट्यूनिका वेजिनालिस, उसमें एक्यूमुलेशन जो फ्लूइड होता है कहाँ पर, सॉरी वेजाइनल हाइड्रोसील, उसमें एक्यूमुलेशन जो फ्लूइड होता है कहाँ पर? ट्यूनिका वेजिनालिस के पास में। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, कोई क्लिनिकल फीचर नहीं है, लाइक इसे कोई पेन सेंसेशन और ऐसा कुछ नहीं होता, बस हम क्लिनिक हम प्रेजेंटेशन के बीच पर ही हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाँ ये हाइड्रोसील है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें अगर लगेगा कि हाँ अगर जो स्क्रोटम है वो बहुत एनलार्ज हो चुका है, उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है, और अगर हमने लाइट का प्रेजेंस किया वहाँ पर, अगर हमने लाइट को प्रेस किया वहाँ पर और वो इल्यूमिनाइज हुआ, तो हमें पता पड़ जाएगा कि यह हाइड्रोसील है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर नहीं है कि पेशेंट जो है वो आपके सामने पेन से या फिर कोई अलग अलग सेंसेशन से आएंगे, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए भी हम सिंपल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बेस पर हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में 2 स्पेसिफिक मेथड्स हैं जिनसे ट्रीटमेंट होता है।
एक है पार्शियल एक्सीजन, पार्शियल एक्सीजन, पार्शियल एक्सीजन जो था वो एक स्पेशल टाइप के सर्जन ने दिया, इसका नाम था जेबाउलेस मेथड, ठीक है। और एक कोई स्पेशल टाइप का प्लिकेशंस है जिसको बोलते हैं लॉर्ड प्लिकेशन, ठीक है। तो ये दो टाइप की सर्जरी है जो कि इसके अंदर होती है, पार्शियल एक्सीजन एंड लॉर्ड प्लिकेशन। हम टेस्टिस को पेल्पेट करके देखते हैं, अगर हमें टेस्टिस सिंगली पेल्पेट होते हैं तो ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोसिल अभी इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं हुआ है। लेकिन अगर टेस्टिस डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, दोनों अलग अलग टेस्टिस दोनों अलग अलग पेल्पेट होते हैं, तो हाँ उसके अंदर हाइड्रोसिल की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, पार्शली एक्सीज करके हम उस हाइड्रोसिल को बाहर निकाल लेंगे, हम जो फ्लूड है सीरस फ्लूड है उसको स्पायरेट करके बाहर निकाल लेंगे, उस हम क्या बोलते हैं जेबाउलेस मेथड। और जेबाउलेस मेथड के बाद एक और मेथड है जिसको बोलते हैं लॉर्ड प्लिकेशन, ये भी एक्सीजन और एस्पायरेशन के प्रोसेस को ही फॉलो करता है। तो ये दो मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे हम हाइड्रोसिल को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये है आपकी हाइड्रोसिल। तो अब हम हमारी सेकेंड एंटिटी की बात करते हैं, इसे बोलते हैं हम क्या, वेरिकोसील टेस्टिस। वेरिकोसील मींस होता है कि जो आपकी वीनस प्लेक्सस है, जो कि आपके वीन्स प्रेजेंट है स्पर्म स्क्रोटम के अंदर, वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो चुके हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो चुके हैं। कौन से प्लेक्सस प्रेजेंट है, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, डायलेशन ऑफ पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके स्क्रूटम एरिया के अंदर, ठीक है। तो स्क्रूटम एरिया के अंदर जो मेनली आपके वीनस प्लेक्सस प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। और वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं, और वो एक्सटर्नली ही हमें प्रेजेंट होने लगते हैं। एक्सटर्नली वो डायलेटेड जो वीन्स हैं वो हमें शो होने लगती है, ठीक है। उसका भी एक स्पेसिफिक एंटिटी है, उसकी एक स्पेसिफिक नेम है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वेरिकोसील टेस्टिस जो है मेनली प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में मेनली, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में मेनली प्रेजेंट होता है राइट साइड के मुकाबले। और ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होता है यंग टॉल मेंस में, ठीक है। मैन जो कि यंग है और उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, उनकी हाइट बहुत टॉल है, तो उन सब पेशेंट्स के अंदर ये वेरिकोसील टेस्टिस जो है देखने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है इसकी होने की राइट साइड के मुकाबले। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, वेरिकोसील है क्या, डायलेशन ऑफ द पिम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, डायलेशन ऑफ द विंग्स विच इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। लेफ्ट साइड इज मोस्ट प्रोमिनेंट देन द राइट साइड एंड मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन द यंग टॉल मैन। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स जो हैं इसके मेनली एक स्पेशल टाइप का नेम है जिसको हम बोलते हैं बैग ऑफ वॉर्म्स अपीयरेंस। जिस स्क्रोटम सैक है वो इस टाइप का अपीयरेंस शो करता है कि उसके अंदर बहुत सारे वॉर्म्स प्रेजेंट हैं, उसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो इस टाइप का अपीयरेंस शो करता है। मैं सारे के सारे जितने भी अब तक हमने डिजीजेस की बात करी उन सबके डिजीज का मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के इमेज बेस्ड आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे वो शो होते हैं, पेशेंट्स किस टाइप से आपके सामने प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो बैग ऑफ वॉर्म लाइक अपीयरेंस ये स्पेशल टाइप का क्लिनिकल फीचर होता है जो कि वेरिकोसील टेस्टिस के अंदर शो होता है, ठीक है, बैग ऑफ वॉर्म लाइक अपीयरेंस। और क्या बात है, जो वेन्स होती है वो हमेशा एम्प्टी हो जाती है सुपाइन पोजिशन में एम्प्टी। Why? क्या होता है कि जब भी हम सुपाइन पोजीशन में होते हैं, ठीक है, तो हमारा जो वीनस ब्लड है जो कि हर पूरे बॉडी के जो भी हर पार्ट में वीनस ब्लड होता है वो वापस कहाँ रिटर्न होता है, हार्ट की तरफ में। तो जितने भी एरिया है हमारी बॉडी के जो कि लोअर एरिया जो कि ग्रेविटी की वजह से उनमें ज़्यादा ब्लड स्टोर होता है वो सब अपना रिटर्न कहाँ पर देना स्टार्ट कर देते हैं, हार्ट की तरफ। इसी वजह से जब भी हम सुपाइन पोजीशन में होते हैं तो हमें वेरिकोसील का प्रेजेंटेशन दिखना बंद हो जाता है। इसलिए इसके लिए जो बेस्ट एग्जामिनेशन होता है हमेशा हम पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में ही प्रेजेंट करते हैं। हम हमेशा उसको जब डायग्नोस करना है तो हम उसको स्टैंडिंग पोजीशन में ही डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन को ही मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन, क्योंकि अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा तो उसका जितना भी वीनस ब्लड है वो वापस रिटर्न हो जाएगा कहाँ पर, हार्ट के पास में, ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन में जितना भी ये वेरिकोसील जो डायलेटेड वीन्स हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा ब्लड एक्यूमुलेट हो रखा है वो वापस एम्प्टी हो जाता है, इसलिए सुपाइन पोजीशन को हम इसमें प्रिफर्ड नहीं लेते हैं। और क्या क्या चीज़ होती है,
ये जो वेरिकोसील है ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है, ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है। कैसे? वेरिकोसील्स मींस एक्स्ट्रा ब्लड, ठीक है, वीन्स डायलेट हो गई है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ब्लड हो गया है। तो जब भी वीन्स डायलेट होगी, एक्स्ट्रा ब्लड इकट्ठा होगा तो एक्स्ट्रा टेम्परेचर होगा, और एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आपके नए स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इनफर्टिलिटी इस वे में कॉज होती है। जब भी आपकी वीन्स डायलेट होगी तो उसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में ब्लड आना स्टोर हो जाएगा। जब भी उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट का ब्लड आना स्टोर होगा तो उस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब भी उस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इस स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाएगी, और जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ब्लॉक होगी तो आपके न्यू स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको क्या कॉज हो सकती है? इनफर्टिलिटी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है? इनफर्टिलिटी। और जो वेरिकोसील्स हैं वो डायरेक्टली रिलेट करती हैं किससे? रीनल सेल कार्सिनोमा से। जब भी रीनल सेल कार्सिनोमा है, लाइक अगर लेफ्ट साइड में मेनली कॉज करता है, अगर लेफ्ट साइड में रीनल सेल कार्सिनोमास प्रेजेंट है तो वो एसोसिएट करेंगे किससे? लेफ्ट साइड वेरिकोसील से। ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड वेरिकोसील है तो वो भी एसोसिएट करेगा किससे? लेफ्ट साइड रीनल सेल कार्सिनोमा से। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और एक और फीचर में खास बात यह कि अगर किसी पेशेंट को रीनल सेल कार्सिनोमा है तो वो चाहे सुपाइन पोजिशन में हो चाहे वो स्टैंडिंग पोजीशन में हो, हम उसको क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी को रीनल सेल कार्सिनोमा है तो वो ऑलरेडी रीनल वीन्स जो है वो ब्लॉक कर देता है। कार्सिनोमा जो है डायरेक्टली प्रेशर डालता है किस पर? रीनल वीन्स पे। और ये जितना भी अपना वेरिकोसील है, जितना भी अपना वीनस रिटर्न है जो कि डायरेक्ट फ्लो होता है हार्ट की तरफ में, वो मेन जो वीन्स है जिसके थ्रू जाता है वही रीनल वीन्स। और रीनल सेल कार्सिनोमा की वजह से रीनल वीन्स जो है वो कंप्रेस रहती है, जिस वजह से वीनस फ्लो जो है ना वापस रिटर्न जो है वीनस रिटर्न जो है वापस नहीं जा पाता, इसी वजह से वो ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट रहता है और हमें बैग ऑफ वॉर्म लाइक अपीयरेंस शो होता है। ठीक है, तो रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर पेशेंट चाहे सुपाइन पोजिशन में हो चाहे स्टैंडिंग पोजिशन में हो, हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, डायलेशन ऑफ पेम्पेनी कॉम्प्लेक्सेस वेरिकोसील, लेफ्ट साइड इज मोर प्रोन टू द बोन देन राइट साइड, मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन द यंग टॉल मेन। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर है, एग्जाम में भी इसी वे में क्वेश्चन आएगा, लाइक अ पेशेंट प्रेजेंट विद अ बैग ऑफ फॉर्म लाइक अपीयरेंस एंड सम अदर सिम्टम्स, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस एंड फोर ऑप्शंस। सो बैग ऑफ फॉर्म लाइक अपीयरेंस, सुपाइन पोजिशन में जितना भी वीनस प्लेक्सस है एम्प्टी हो जाता है। मोस्ट कॉमन पोजिशन जो है वो डायग्नोसिस के लिए स्टैंडिंग पोजिशन। कॉज क्या करता है? इनफर्टिलिटी। एंड किस चीज से एसोसिएट होता है? रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट का जो मेथड है वो है लाइगेशन। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वीन्स है हम उनको लाइगेट कर देते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वीन्स है हम उनको लाइगेट कर देते हैं, और इसको लाइगेट करने के लिए हम कुछ स्पेशल टाइप के अप्रोचेस का यूज करते हैं। कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जिनका हम यूज करते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल अप्रोच, इंग्वाइनल अप्रोच, ट्रांसक्रोटल अप्रोच। ठीक है, तो हम किसी भी अप्रोच के बेसिस पे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, किसी भी अप्रोच के बेसिस पे हम इसको लाइगेट कर सकते हैं। अप्रोच मीन्स होता है कि हम किस साइड से हम एंटर करें बॉडी के उस पार्ट में जिससे हम इजीली सर्जरी कर सकें। तो अलग अलग साइड से हम एंटर हो सकते हैं पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस के पास में, इंग्वाइनल रीजन से हो सकते हैं, पेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल मीन्स पेरिटोनियल लेयर के पीछे की तरफ से हम उसको एंटर हो सकते हैं, स्क्रोटल के जो स्क्रोटल एरिया है वहाँ से हम उसमें एंटर हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पेम्पेनिफॉर्म का प्लेक्सस है उनको लाइगेट कर सकते हैं ताकि हम इस जो वेरिकोसील जो सिचुएशन है उसको ट्रीट कर सकें। जो रेट्रोपेरिटोनियल अप्रोच होती है वो हम दो वे में कर सकते हैं, या तो हम इसको ओपन सर्जरी से कर सकते हैं या हम इसको लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। ठीक है, ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो बेस्ट ऑपरेशन है जो कि हमेशा फॉलो होता है मेनली, जो अगर मोस्ट कॉमन अगर हम अप्रोच की बात करें तो रेट्रोपेरिटोनियल अप्रोच ही मोस्ट कॉमन अप्रोच होती है जो कि हर सर्जन फॉलो करता है। और उसमें भी जो मोस्ट कॉमन ऑपरेशन होता है जो फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं हम पालोमो ऑपरेशन।
ओके मोस्ट कॉमन ऑपरेशन जो है जो कि इसमें फॉलो होता है रेट्रोपेरिटोनियल अप्रोच के अंदर उसको बोलते हैं पालोमोस ऑपरेशन. तो ये है आपकी वेरिकोसिव टेस्टिस. थैंक यू.